माननीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। कोलकाता में ये कार्यक्रम चल रहा है, रेल मंत्री वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंच पर आ रही हैं संबोधन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर मौजूद रहना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। फॉर यू पर्सनली एंड से ग्रेट लॉस ऑफ योर पर्सनल लाइफ I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was a railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Potibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other three projects also you are inaugurating today. I am very happy. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर ममता बनर्जी की तरफ से दुख जताया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया कि इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी, पर्सनल लॉस हो जाने के बावजूद वो बंगाल के हित के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये गुजारिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई कि जितना हो सके वो छोटा कार्यक्रम को रखें, क्योंकि मुख्यमंत्री समझ रही हैं, बंगाल समझ रहा है, देश समझ रहा है कि इस वक्त कितना दुखों का अंबार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूटा है उनकी मां के चले जाने से। तो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया, श्रद्धांजलि दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना दी और प्रभु से ये प्रार्थना की कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्ति दे इस दुख को सहन करने। अब इस परियोजना और ये कार्यक्रम जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ करनी थी, उसके बारे में अपनी बात रख रही हैं ममता बनर्जी, बता रही हैं किस तरीके से ये ममता बनर्जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है तब से जब वो देश की रेल मंत्री थी। सुनते हैं। आज के इम्प्लीमेंटेड होच्छे आमी बेहालावासी सह सारा पश्चिम बांगला के धन्यवाद जानाच्छी। एंड सर, यू विल बी हैप्पी व्हेन आई वाज अ रेलवे मिनिस्टर आई सबमिटेड वन व्हाइट पेपर एंड आल्सो वन 2010 विजन। दैट विजन डॉक्यूमेंट रेलवे मिनिस्टर मस्ट बी नोइंग दैट 51 प्लस स्टेशन इज बीन केप्ट देयर अलोंग विद दैट जलपाईगुड़ी इज आल्सो वाज देयर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट बंगाल इज getting this and there are so many other 49 world class station. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today and thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest and I do not know how to give my condolences message to your family members and the others because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPA, GRPA,
माय डीजी पुलिस, माय चीफ सेक्रेटरी, माय होम सेक्रेटरी, माय हावड़ा कमिश्नर, माय डीएम एंड ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल द ऑफिसर्स लेवल, ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द एमपीस, ऑल द एमएलएस, ऑल द काउंसिलर्स एंड ऑल द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द कम्युनिटी पीपल. थैंक यू सो मच. तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये संबोधन, अपने संबोधन के शुरुआत में भी ममता बनर्जी बेहद भावुक नजर आईं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और संबोधन के आखिर में भी एक बार फिर वही भावुक अंदाज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नजर आया. उन्होंने कहा कि मां की जगह कोई नहीं ले सकता. बार बार अपने संबोधन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांत्वना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत बढ़ाती हुई नजर आईं. यहां तक उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उन्हें अपनी मां भी याद आ रही है. मां की जगह कोई ले नहीं सकता. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू. पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.